तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर कास्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। इस चीज के बारे में जानना चाहता हूं मैं, ठीक है। मजा आएगा ये चीज देखने में। सबसे ज्यादा मशहूर और 10 सबसे ज्यादा पावरफुल कास्ट कौन सी है पाकिस्तान में, आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि वहां की कास्ट के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है कि कौन सी, ठीक है। एक दो ही मैंने नाम सुना है, जैसे पठान एक हो गया, क्योंकि उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं कि आप पठान एटीट्यूड स्टेटस या उन टिकटॉक के ऊपर आप वीडियो करो, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत बार कमेंट सेक्शन में देखा है। तो आज ऐसी हम 10 कास्ट्स देखने वाले हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कौन सी होने वाली है। तो फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताओ अपने ओपिनियन इस वीडियो के रिलेटेड, क्या इसमें जो भी दिखाया जा रहा है सही दिखाया जा रहा है या गलत दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें ज़रूर बताओ। और रेगुलरली सुबह सुबह नई वीडियोज़ आ जाती हैं, उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो पे चलते हैं, इसे देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा और एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कबीलों और जातों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान में मौजूद चंद बड़ी और नामवर कौमों के बारे में कुछ हकायक और दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद इस तरह की मालूमती वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। शेख, दोस्तों शेख अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसके सादा जुबान में मायनी किसी कबीले के बुजुर्ग या इस्लामिक स्कॉलर के है। पाकिस्तान में मौजूद शेख बिरादरी का ताल्लुक उन तजारती खानदानों से जाहिर होता है जो तुर्की, ईरान और सऊदीया से तजारत की गर्ज से एशिया में दाखिल हुए। इसी वजह से आज भी अक्सरियत शेख बिरादरी के अफराद कारोबारी या तजारती सरगर्मियों से ही ताल्लुक रखते हैं। मुआशी लिहाज से शेख लोग काफी मजबूत होते हैं और अपनी जात और खानदान में ही शादी करना पसंद करते हैं, और इसके साथ साथ इनका मनफी पहलू यह भी है कि ये रकम को बहुत संभाल कर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे शेख बहन भाइयों को प्यार से कंजूस भी कहा जाता है। पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान शेख रशीद का ताल्लुक भी इसी बिरादरी से है। गुज्जर, दोस्तों गुज्जर कबीला पाकिस्तान का अहम और तारीखी कबीला माना जाता है। गुज्जर कौम पाकिस्तान और इंडिया के अलावा अफगानिस्तान में भी काफी तादाद में पाई जाती है। पाकिस्तान में मौजूद गुज्जर बिरादरी ज्यादातर ज़रई कम्युनिटी से मुंसलिक है। ये लोग गाय भैंस पालते हैं और उनका दूध फरोख्त करते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि गुज्जर बिरादरी सकाफत के साथ साथ इस्लामी तारीख में भी काफी मजबूत जड़े रखती है। गुज्जर बिरादरी के अफराद खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग काफी सेहतमंद नजर आते हैं। इसके बाद राजपूत। राजपूत का लफ्जी मतलब बादशाह का बेटा है और राजपूत खानदान की जड़ें हिंदुस्तान के बादशाहों से जाकर मिलती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी बहुत ज्यादा राजपूत पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मौजूद राजपूत खानदान के लोग अपने आबाओ अजदाद का ताल्लुक हिंदुस्तान के कदीम और जंगजू शाही खानदानों से बताते हैं, जिसकी बुनियाद इंडिया की स्टेट राजस्थान से थी। दोस्तों राजपूत बहादुर और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं। ये अस्करी तौर पर हिकमत अमली का मुजाहरा भी बहुत अच्छी तरह करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया का खतरनाक और चालाक तरीन कबीला भी माना जाता है। दोस्तों राजपूत कास्ट की सब कास्ट में राणा, चौहान और भट्टी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर रमीज राजा का ताल्लुक भी राजपूत फैमिली से है। इसके बाद हम जिस कौम का जिक्र करने जा रहे हैं, उस कौम का नाम है आराई। दोस्तों आराई कौम का शुमार भी पाकिस्तान की बड़ी कौमों में किया जाता है। ये ज्यादातर सिंध और पंजाब में पाई जाती है। ज्यादातर आराई भी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होते हैं और पाकिस्तान के कई बड़े जमींदार भी ज्यादातर इसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। आराई और राजपूत की तारीख काफी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से आराई खानदान की जड़े भी हिंदुस्तान से ही निकलती है। आराई कौम के भी मेन सब टाइटल में चौधरी, मियां, मलिक और भुट्टो फैमिली शुमार की जाती है। ये सब सुना। इसके बाद हान, पश्तून कबीले से ताल्लुक रखने वाली ये जात पाकिस्तान की अहम तरीन जात है। पाकिस्तान में मौजूद इस जात को दुनिया की बहादुर तरीन जात माना जाता है। पाकिस्तान के अलावा इंडिया और अफगानिस्तान में भी हान जात बहुत ज्यादा पाई जाती है। हान लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं और छोटी सी बात पर भी ये लोग लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आते हैं। इसी वजह से दुनिया पूरी इस नाम से डरती है।
पाकिस्तान के कई नामवर सियासतदान और दूसरी मशहूर शख्सियात के अलावा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का तल्लुक भी इसी जात से है। इसके बाद भट बिरादरी। दोस्तों, वादी कश्मीर में रहने वाले अमूमन लोगों को भट कहकर पुकारा जाता है। इसके अलावा सूबा पंजाब में भी ये कौम बहुत ज्यादा अक्सरियत में पाई जाती है। आमतौर पर भट फैमिली गरूर पसंद होती है। जिस्मानी तौर पर भट लोग खूबसूरत और पुरकशिश होते हैं। ये लोग भी खाने पीने से खूब लगाव रखते हैं। इस जात के सबटाइटल में डार, मीर, मलिक और ख्वाजा लोग शामिल हैं। पाकिस्तान के मशहूर टीवी स्टार उसामा भट और मुनीर भट का ताल्लुक भी भट फैमिली से है। अब जिक्र करेंगे जट बिरादरी का। दोस्तों, जट फैमिली के लोग शुमाली पाकिस्तान में रवायती तौर पर ज़रई बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में इस कौम को बहादुर और वफादार के तौर पर देखा जाता है। ये कौम ज्यादातर देहाती इलाकों में आबाद है। इस कौम के ज्यादातर अफराद किसी भी बात पर बहस मुबाहिसा करने में बहुत शौक रखते हैं और इसके साथ साथ हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार रहते हैं। कहा जाता है कि ये दिल के भी बहुत साफ होते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा करने के फौरन बाद ही सुलह कर लेते हैं। मुअज्जज़ ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक भी जट बिरादरी से है। जट फैमिली के मेन टाइटल्स में बाजवा, चीमा और चट्ठा सरे फहरिस्त है। इसके बाद मुगल कौम। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मुगल कौम भी पाई जाती है, जिनका ताल्लुक बरसगीर पाको हिंद के मुगलिया खानदान से जोड़ा जाता है। मुगल सल्तनत के जवाल के बाद ज्यादातर मुगल कौम से ताल्लुक रखने वाले भारत और पाकिस्तान में जा बसे। इसी वजह से ये लोग अपनी तमाम जमीन जायदाद और दौलत पीछे ही छोड़ आए। फने तमीर से मोहब्बत रखने वाले मुगलिया खानदान के यही लोग आज हमें मिस्त्री, लोहार और तरखान की सूरत में नजर आते हैं। इसके बाद कुरैशी। पाकिस्तान में मौजूद कुरैशी लोगों का ताल्लुक अरब के मुअज्जज कबीला कुरैश से जोड़ा जाता है। कुरैशी कौम पाकिस्तान के अलावा भारत और बांग्लादेश में फैली हुई एक बहुत बड़ी कौम है। पाकिस्तान में कुरैशी ज्यादातर सिंध से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि अरब के लोग ज्यादातर सिंध में आए और वहाँ की मुकामी औरतों से शादी करके आबाद हुए। पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक भी इसी बिरादरी से है। अब जिक्र करेंगे सैयद कौम के बारे में। दोस्तों, सैयद जात इस्लामी दुनिया में सबसे मुअज्जज और बड़ी जात समझी जाती है, क्योंकि सैयद कौम का सिलसिला एक तरफ से हजरत अली उल मुर्तजा और दूसरी तरफ से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इसी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया के बाकी इस्लामी मुमालक में भी सैयद कौम को निहायत ही एहतराम की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में सैयद कौम को बाकी तमाम कौमों में सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। जुर्रत, बहादुरी और दलेरी में ये कौम अपनी मिसाल आप रखती है। पुराने वक्तों में सैयद बिरादरी के अफराद बच्चों को दरसे कुरान देने और मसाजिद में इमामत के फराइज सर अंजाम दिया करते थे, लेकिन आज के जदीद दौर में पाकिस्तान में सैयद बिरादरी की बहुत बड़ी तादाद मुल्क के आला सियासतदान होने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबा जात में आला अफसरान के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। साबिक सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और मौजूदा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी सैयद कौम से ही ताल्लुक रखते हैं। सैयद कौम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिंध और दूसरे नंबर पर पंजाब और बलोचिस्तान में पाई जाती है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की काबीना में भी ज्यादातर वजरा का ताल्लुक सैयद बिरादरी से है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में MNAs और MPAs की तादाद में भी दूसरी अकवाम से ज्यादा तादाद सैयद बिरादरी के अफराद की है, जिसकी तफसीलात हमारे इसी चैनल की दूसरी वीडियोस पर दी गई है। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की ओके गाइस, तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। ऐसा लग रहा है कि जब ये वीडियो प्ले किया था उस वक्त सिर्फ कुछ ही नाम पता थे और मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को जानना चाह रहा था। अब ऐसा लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद कि इस टॉपिक के रिलेटेड जो कुछ भी था सभी चीजें समझ में आ गई, सभी कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है क्लियर हो गए। मजा आया देखने में। जैसे जैसे वो रैंक नीचे आ रहा था ना, 8, 7, 6, तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी कि नंबर वन स्पॉट पे कौन सी कास्ट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पता थी, मेरे दिमाग से ये चीज़ बाहर निकल गई थी। मज़ा आया देख के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। कहना तो मैं कुछ और भी चाहता था, दिमाग से अभी ये चीज़ निकल गई।
हाँ मुझे याद आ गया, इसमें कुछ कास्ट ऐसी थी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो कास्ट ऐसी थी जिनके नाम मैंने पहले नहीं सुने थे, लेकिन फिर जब इन्होंने कहा ना बाकी कास्ट के बारे में भी कहा कि वो भी इसी में आते हैं, ठीक है वो मैंने सुने हुए थे, लेकिन इसमें कुछ ही ऐसी कास्ट थी। मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारी कास्ट ऐसी होंगी जिनके बारे में मुझे पता नहीं होगा, लेकिन बढ़िया पता था। राजपूत देख के मैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, राजपूत देखकर मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि वो इसमें कहाँ से आ गया, लेकिन बढ़िया, काफ़ी कनेक्टेड है ना, कास्ट काफ़ी कनेक्टेड है क्योंकि पहले सब कुछ एक ही था। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बाय।